हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सेनाया बिस्मिल्ला खान चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी गोइंग टू रेस्ट ऑफ द स्टोरी एंड वी बिगिन द पैरा 9। सो लेट स्टार्ट। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड थे एंड रिकॉग्नाइजेशन जो पहचान थी केम थिक एंड फास्ट, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में और काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिकॉन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट। बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्ला खान जो थे वो पहले भारतीय बने टू बी इन्वाइटेड, जिनको आमंत्रित किया गया टू परफॉर्म, अपना दिखाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, शहनाई बजाने के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिकॉन। प्रेस्टिजियस मीन्स होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित, यानी ऐसी चीज़ जो काफ़ी फेमस हो। लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट, यानी एक जगह का नाम है लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल। ही आल्सो टुक पार्ट, उन्होंने यहाँ भी स्थान रखा इन द वर्ल्ड, एक दुनिया में एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। एक्सपोजिशन से होता है प्रदर्शन करना, कहाँ से? मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल सेंट्रल में, ठीक है, वहाँ पर। इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और कहाँ पे? इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल में एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ये सिर्फ जगह के नाम है और फेस्टिवल के नेम है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? एक्सपोजिशन यानी प्रदर्शन किया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। सो वेल, और काफ़ी अच्छी तरीके से नोन, जाने गए, डिड ही बिकम, और ये जल्द ही बिकम हो गए, बन गए इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, यानी एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे तेहरान में उनका, इनके नाम पे वो ऑडिटोरियम का नाम रखा गया, जिसका नाम है तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खां। यानी जो तेहरान में जो ऑडिटोरियम है उनका नाम बिस्मिल्ला खां पे रखा गया, जिसका नाम है तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खां। नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री। जो नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, लाइक द पद्मश्री, यानी पद्मश्री जो है, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण अवार्ड कंफर्ड ऑन हिम, यानी उनको कौन कौन से अवार्ड मिले? पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले एंड पद्म विभूषण मिले। इन तीनों जो अवार्ड थे वो बिस्मिल्ला खां को दिया गया। इन 2001 और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां थे वो भारत के सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे पुरस्कार से इनको नवाजा गया, जो कि है सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। जो क्या है उस सिविलियन अवार्ड का नेम है? भारत रत्न, यानी भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, और ये बिस्मिल्ला खां को दिया गया था इन 2001। विद द कोवेटेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटिंग विद हैप्पीनेस। विद द कोवेटेटेड, कोवेटेटेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा अभिलाषा रखना। इनके पास बहुत अभिलाषा था इस अवार्ड को, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि इनके पूरे चेस्ट जो है इनके सीनों को पूरे भर दिया, इन्हें चौड़ा कर दिया, एंड हिज आईज ग्लिटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और इनकी आँखों में बहुत ज़्यादा खुशी आ गई। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सबसे पहले जो पूरा कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, इसका ये सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, इवन, जबकि जो वेस्ट हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, वो भी क्या हो रहे हैं? कमिंग, आ रहे हैं टू लर्न अवर म्यूजिक, हमारा संगीत सीखने के लिए। इन स्पाइट, बजाय ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बजाय पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में घूमने से, इन्होंने क्या किया? खान साहब एज इज द फाउंडली कार्ड, इन्होंने खान साहब इज एज इज फाउंडली कार्ड, फाउंडली मीन्स होता है प्यार से, ठीक है, इन लविंगली, खान साहब एज ए फाउंडली गर्ल, खान साहब इनको बड़े प्यार से बुलाया। इज एक्सेंडिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमरा एंड देट रिमेन्स फॉर हिम। इज एक्सटिंगली, इंस्टिंगली मीन्स होता है सर्वाधिक, बड़ी मात्रा में,
फाउंड पाया गया बनारस में, डुमराव में एंड द रिमेन फॉर हिम, और जो सारी बखे हुए थे निजुन, इनका जो म्यूजिक के जो ज़्यादातर प्रभावित क्षेत्र थे वो बनारस थे और डुमराव थे। डुमराव बिहार में पड़ता है। द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इस पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत टाउन नगर है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ऑफ सेनाई स्कूल इन द USA। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, इनके एक स्टूडेंट में से जो छात्र था, वांटेड हिम, उनको चाहता था टू हेड अ सेनाई स्कूल इन USA, कि वो क्या करें USA में सेनाई स्कूल खोलें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिफ्लेक्टिंग द टेम्पल स्फीयर। एंड द स्टूडेंट, और जो छात्र थे, प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया टू रिक्रिएट, यानी फिर से बनाने का। रिक्रिएट मीन्स होता है प्रतिरूप, कह सकते हैं उत्पन्न करना या बनाना फिर से, द एटमोसफियर, वातावरण का ऑफ बनारस बाई रिफ्लेक्टिंग द टेम्पल स्फीयर, वहाँ पर रिफ्लेक्शन कर दें। रिफ्लेक्टिंग मीन्स होता है प्रतिरूप, मंदिर का निर्माण करके, वहाँ पे आप मंदिर का निर्माण करके वो क्या करेंगे, एक बनारस का एटमॉस्फेयर बनाएंगे जो कि क्या करता हो USA से सेनाई को ज़्यादा उसमें बढ़ावा मिलता हो म्यूजिक को। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब उससे पूछते हैं, इफ़ ही कुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, इफ़ ही वुड, अगर वो कर सकता है, बी एबल, योग्य है ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, यानी ट्रांसपोर्ट, यानी एक यातायात बना ले किस चीज़ का, रिवर गंगा का एज वेल। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, और इसके बाद ही इज रिमेंबर, उसने याद किया टू हैव सेड, और कहा दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, दैट इज़ वाई, इसीलिए वेन एवर, जब कभी भी आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं किसी विदेशी देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे हमेशा अभिलाषा होती है टू सी हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान यानी भारत को देखने का। वाइल इन मुंबई, जबकि मुंबई, आई मतलब खासकर मुंबई में, यानी हिंदुस्तान को देखने की जो काफ़ी हिस्सा इच्छा थी उनकी, उनमें सबसे ज़्यादा मुंबई की थी। आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और मैं सिर्फ बनारस और होली गंगा यानी पवित्र गंगा को ही सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस, आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव। वाइल इन बनारस, और बनारस के बजाय, आई मिस, मैं याद करता हूँ यूनिक, यूनिक यानी होता है अद्वितीय, यानी जो ज़्यादा एक ही हो, माथा ऑफ दोहरान, यानी माथा ऑफ दोहरान, डुमराव को भी क्या करते हैं, याद करते हैं, एक्सपेक्टेड बनारस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट और लास्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो जीवन है इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल, वो बहुत अच्छा उदाहरण है ऑफ द रिच, एक अमीरों का कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की हेरिटेज जो हैं, जो सदी विरासत हैं, उन कल्चर संस्कृति का एक क्या है, रिच उदाहरण है, एक बहुत बड़े उदाहरण है। वन दैट इफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, वन दैट, वो एक हैं एफर्टलेसली यानी बिना किसी दबाव के एक्सेप्ट, स्वीकार किए गए दैट ए डिवोट मुस्लिम, जो कि एक कट्टर मुस्लिम के द्वारा इनको पसंद किया जाता है। कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई, जो कि कभी प्राकृतिक रूप से सहनाई बजाते थे। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कहाँ पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है, और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज एंड, थैंक यू।